फ्लैग कार्यक्रम कोलकाता में ग्रुप कैप्टन कमाल सिन्हा ओबर सेवानिवृत्त और लेफ्टिनेंट के रूप में सफलतापूर्वक शुरू हुआ। कर्नल सत्येंद्र वर्मा सेवानिवृत्त ने शहर की सबसे ऊंची इमारत 42 की 65वीं मंजिल से सफलतापूर्वक छलांग लगा दी। भारी बारिश ने व्यवस्था तो बिगाड़ दी, लेकिन दिग्गजन के दिमाग पर इसका कोई सतह प्रभाव नहीं पड़ा। डूरन कैप का 132वां संस्करण 3 अगस्त से शुरू होने वाला है और फाइनल 3 सितंबर को विवेकानंद युवा भारती किंगडम में होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे स्टेट के और बाकी सीनियर ऑफिसर्स थे, वो काफ़ी देर वेट करने के बाद चले गए, लेकिन मौसम के आगे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फाइनली हमारा भी मन था और बहुत से लोग वेट कर रहे थे, बहुत से लोग बच्चे वेट कर रहे थे, हमें भी था कि अच्छा सा मौसम मिल जाए, थोड़ा सा एक विंडो मिल जाए, तो वो हो गया और जंप हमारा थ्रू हो गया, दोनों का हो गया, बहुत एक्सीलेंट सुपर्ब माइंड सेट। सर एक्चुअली जंप से पहले बस यही रहता है, फुल कॉन्सेंट्रेशन रहती है जंप के लिए और आप सिर्फ जंप के बारे में सोच रहे होते हैं, कैमरा के अलावा और कोई चीज आपके दिमाग में नहीं रहती है। और जंप करने के बाद से लेकर के लैंडिंग तक वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन जंप के ऊपर रहती है। ये फीलिंग्स वगैरह बाकी क्या आप सोच रहे हो, क्या इमोशंस हैं, वो सब या तो जंप से 10 मिनट पहले होते हैं या लैंडिंग के बाद। फ्लैग कार्यक्रम कोलकाता में ग्रुप कैप्टन कमाल सिन्हा ओबर सेवानिवृत्त और लेफ्टिनेंट के रूप में सफलतापूर्वक शुरू हुआ। कर्नल सत्येंद्र वर्मा सेवानिवृत्त ने शहर की सबसे ऊंची इमारत 42 की 65वीं मंजिल से सफलतापूर्वक छलांग लगा दी। भारी बारिश ने व्यवस्था तो बिगाड़ दी, लेकिन दिग्गजन के दिमाग पर इसका कोई सतह प्रभाव नहीं पड़ा। डूरन कैप का 132वां संस्करण 3 अगस्त से शुरू होने वाला है और फाइनल 3 सितंबर को विवेकानंद युवा भारती किंगडम में होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे स्टेट के और बाकी सीनियर ऑफिसर्स थे, वो काफ़ी देर वेट करने के बाद चले गए, लेकिन मौसम के आगे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फाइनली हमारा भी मन था और बहुत से लोग वेट कर रहे थे, बहुत से लोग बच्चे वेट कर रहे थे, हमें भी था कि अच्छा सा मौसम मिल जाए, थोड़ा सा एक विंडो मिल जाए, तो वो हो गया और जंप हमारा थ्रू हो गया, दोनों का हो गया, बहुत एक्सीलेंट सुपर्ब जंप हुआ। माइंड सेट सर एक्चुअली जंप से पहले बस यही रहता है, फुल कॉन्सेंट्रेशन रहती है जंप के लिए और आप सिर्फ जंप के बारे में सोच रहे होते हैं, कैमरा के अलावा और कोई चीज आपके दिमाग में नहीं रहती है। और जंप करने के बाद से लेकर के लैंडिंग तक वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन जंप के ऊपर रहती है। ये फीलिंग्स वगैरह बाकी क्या आप सोच रहे हो, क्या इमोशंस हैं, वो सब या तो जंप से 10 मिनट पहले होते हैं या लैंडिंग के बाद।